हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। और इस समय की बड़ी खबर हम आपको बता दें, ईरान के बुशेहर न्यूक्लियर पावर प्लांट के पास 4.5 तीव्रता वाला भूकंप आया है। एक अमेरिकी मॉनिटर एजेंसी ने यह जानकारी दी है। ये भूकंप न्यूक्लियर पावर प्लांट के करीब 50 किलोमीटर से भी कम दूरी पर आया है। ये भूकंप बोरजान शहर में स्थानीय समय के मुताबिक सुबह करीब 6:49 पर आया। बुशेहर प्लांट 2013 में रूस की मदद से बनाया गया था। तो ईरान में भूकंप के झटके महसूस किए गए, 4.5 तीव्रता का ये भूकंप बताया जा रहा है। चिंता का विषय यह है कि न्यूक्लियर प्लांट से बहुत कम दूरी पर ये भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। प्लांट से करीब 50 किलोमीटर से भी कम दूरी पर यह भूकंप आया है। ये भूकंप बोरजान शहर में स्थानीय समय के मुताबिक सुबह करीब 6:49 पर आया है। न्यूक्लियर प्लांट से, जैसा कि हम लगातार आपको बता रहे हैं, 50 किलोमीटर दूर ये भूकंप। अमेरिकी मॉनिटर एजेंसी ने यह जानकारी दी है ईरान में आए भूकंप के बारे में। 4.5 तीव्रता का ये भूकंप बताया जा रहा है। ईरान के बुशेहर न्यूक्लियर पावर प्लांट के पास ये भूकंप आया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भले ही ईरान को सबक सिखाने की बात कर रहे हों, लेकिन अमेरिका में विपक्षी डेमोक्रेटिक पार्टी ने ईरान के साथ युद्ध का विरोध कर शांति को ही सबसे अच्छा विकल्प बताया है। The American people do not want a war with Iran. तो ईरान की सेना ने अमेरिका को बड़ी धमकी दी है। सेना का कहना है कि अगर अमेरिका ने उसके मिसाइल हमलों पर पलटवार किया तो उनका जवाब और ज्यादा मजबूती से दिया जाएगा और ये और ज्यादा भयानक होगा। ईरानियन आर्म्ड फोर्सेस के चीफ ऑफ स्टाफ मेजर जनरल मोहम्मद बाकरी ने ये चेतावनी अमेरिका को दी है। अगर अमेरिका ने इराक में हुए हमले पर पलटवार किया तो ईरान का जवाब पहले से ज्यादा मजबूत और खतरनाक होगा। यह ईरान की तरफ से अमेरिका को दी गई नई धमकी, मेजर जनरल मोहम्मद बाघेरी ने दी है ये धमकी। ईरान के सेना प्रमुख हैं बाघेरी, उन्होंने ये धमकी अमेरिका को दी है। और हम आपको बता दें कि अमेरिका और ईरान के बीच लगातार टेंशन बढ़ रहा है।